हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी फाइनल बॉटनी के लिए बायोटेक्नोलॉजी के पेपर के अंदर आर्टिफिशियल सीड टॉपिक ले रहे हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि आर्टिफिशियल सीड क्या है, देन किस तरह प्रोड्यूस किया जाता है, क्यों बनाते हैं हम इसको और इसके एडवांटेज क्या है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ हम आपको पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल चुके हैं, आज मैं इसको आपको समझा रही हूँ। तो आर्टिफिशियल सीड, पहले हम आर्टिफिशियल सीड से पहले हमें सीड का पता हो कि सीड क्या होता है। तो देखिए, सीड क्या होता है, यदि हम डाइपॉड सीड की बात करें तो हमें मालूम है कि डाइपॉड सीड में सीड क्या है, जब हम जर्मिनेट उसको करते हैं, इट मीन्स हम उसको बोते हैं, तो वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट कैसे होगा, उसका जो एम्ब्रियो है वो प्लांटलेट में कन्वर्ट होगा। तो वो एम्ब्रियो कहाँ से आएगा, एक्चुअली जितने भी सीड्स होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर एम्ब्रियो होते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर इस सीड को ड्रॉ किया है, ये है सीड कोट, ये सीड कोट है, इसके अंदर डाइपॉड की बात करें तो ये दो कॉटिलीडन्स हैं और इसके बीच में क्या है, एम्ब्रियो। तो ये एम्ब्रियो ही आगे चल के क्या बना लेता है, ये एम्ब्रियो आगे चल के एम्ब्रियोनल एक्सिस ऊपर की तरफ ब्लू होल और नीचे की तरफ रेड होल, ये सीड की रचना है डाइपॉड। यदि हम ये बात करें कि हम आर्टिफिशियल सीड बायोटेक्नोलॉजी में हम आर्टिफिशियल सीड बना रहे हैं, तो क्यों बना रहे हैं, सबसे पहले ये कि जो सीड्स हम, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी को क्यों यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी जो कि यूज की जाती है बायोलॉजी के अंदर, और हमने इसके अंदर बायोलॉजी के, बायोटेक्नोलॉजी के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें हम टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जिसमें हम टिश्यू कल्चर ले, तो टिश्यू कल्चर के अंदर हम आर्टिफिशियल सीड पढ़ रहे हैं। टिश्यू कल्चर भी हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो कुछ स्पीसीज जो एंडेंजर्ड स्थिति में है उनके हम नंबर बढ़ाने के लिए हम टिश्यू कल्चर करते हैं। तो उसी तरीके से सीड हमें क्यों तैयार करना है आर्टिफिशियल सीड, क्योंकि बहुत सारे सीड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो एंडेंजर्ड स्थिति में हैं, जिनके सीड्स हमको, एक सीड, एक प्लांट जो है वो एक सीजन पे सीड प्रोड्यूस करेगा और उन सीड्स में से कई सारे सीड्स खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। तो जब हम अगले टाइम पे सीजन पे प्लांट सीड बोते हैं तो कई बार उनमें डॉर्मेंसी आ जाती है, इट मीन्स कई सारे सीड्स के अंदर डॉर्मेंसी होती है। डॉर्मेंसी को ओवरकम करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल सीड। प्लस सीड्स एक पर्टिकुलर सीजन में हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हर सीजन में विंटर क्रॉप होगी तो विंटर में ही हम उसको सो कर सकते हैं और उसके बाद उसको उसमें से जर्मिनेट होगा, सीड और प्लांट बनेगा। यदि समर का है तो वो समर में ही ग्रो करेगा, लेकिन हमें लेबोरेटरी के अंदर किसी भी सीजन में यदि प्लांट को ग्रो करना है तो हम उसके लिए आर्टिफिशियल सीड को यूज कर सकते हैं। अब इस आर्टिफिशियल सीड में क्या होता है, सेम वही चीज है, सोमेटिक एम्ब्रियो जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद सोमेटिक एम्ब्रियो बनाया था। तो सोमेटिक एम्ब्रियो जो है उसको बीच में लेकर उसके चारों तरफ न्यूट्रिएंट मीडियम, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट मीडियम में ही वो लेना पड़ेगा, प्लस उसको हम एनकैप्सुलेट कर दें, तो वो हो जाएगा आर्टिफिशियल सीड। तो आर्टिफिशियल सीड क्या है, इट इज अ सिंथेटिक सीड विच इज मेड अप ऑफ अ सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, क्या है, मेड अप ऑफ ए सोमेटिक एम्ब्रियो सराउंडेड बाई ए न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोटेक्टेड बाई ए थिन केमिकल मेम्ब्रेन। तो सेम हमारा जो आर्टिफिशियल सीड है वो नेचुरल सीड की तरह होगा, कैसे कि वही बाहर की तरफ सिर्फ केमिकल मेम्ब्रेन होगी, जो सीड कोट हमारे नेचुरल सीड में सीड कोट होता है वो बाहर मेम्ब्रेन होगी केमिकल की, उसके अंदर हमारा क्या होता है न्यूट्रिएंट मीडियम, जैसे आर्टिफिशियल सीड में न्यूट्रिएंट मीडियम और नेचुरल सीड में होता है कॉटिलीडन्स, क्योंकि कॉटिलीडन ही सीड को जर्मिनेशन के टाइम पर क्या देते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और बीच में वहां होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस और आर्टिफिशियल सीड में क्या होगा, सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रिपेयर किया था मुराशिगे ने, जिसको हम बार बार पढ़ते हैं, मुराशिगे एंड स्कूप का मीडियम पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जो हमारा एमएस मीडियम कहलाता है, उसमें मुराशिगे ने इसको सबसे पहले आर्टिफिशियल सीड को प्रिपेयर किया। ये साइज में स्मॉलर होते हैं यदि हम नेचुरल सीड से कंपेयर करें तो, क्यों, क्योंकि नेचुरल सीड में जो है कई सीड्स जो है इस तरीके के हैं जो कि
जिनके सीड कोट बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ एक थिन मेम्ब्रेन होती है कैपिकल मेम्ब्रेन, केवल सीड कोट एक थिन कैपिकल मेम्ब्रेन से मतलब का बना हुआ हो। यदि हम इसको इस एम्ब्रियो को देखिए, द एम्ब्रियो सराउंडेड बाय न्यूट्रिएंट मीडियम व्हिच नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर आर्टिफिशियल सीड के अंदर न्यूट्रिएंट मीडियम होता है जिससे जो किसको नरिश करता है, सोमेटिक एम्ब्रियो को नरिश करता है, किस कब जर्मिनेट होने के समय। और नेचुरल सीड के अंदर क्या होता है, कॉटिलीडंस होते हैं जो जर्मिनेशन के समय उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन दे दे। यहाँ पर सीड्स में केवल मिनिमम एसेंशियल फूड होता है, क्योंकि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमें ये पता हो कि जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हर चीज, जैसे जीन बैंक के अंदर हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट वाली चीजें होती हैं, मिनिमम ग्रोथ रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें बिल्कुल छोटी छोटी चीजें रखनी होती हैं, हम जीन बैंक के अंदर भी ज्यादा नहीं रख सकते इस वक्त पे। इसी तरीके से हमारा जो सोमेटिक एम्ब्रियो है उसके अंदर भी एक मिनिमम अमाउंट का फूड होगा जो प्लांट लेट प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट। ठीक है, इसके लिए जो खोल होता है यानी कैप्सूल बनता है वो है सोडियम एल्जिनेट का या पॉलीएक्रिलामाइड जेल का। इस तरीके से हम उसका खोल बनाते हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। सोडियम एल्जिनेट एक ऐसा, इसका 2% सॉल्यूशन लेते हैं, ब्यूरेट में भरते हैं, और ब्यूरेट में भरने के बाद हम उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं एक उसके अंदर। देखिए पहले मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको, एक बीकर में हमने यहाँ CaCl2 सॉल्यूशन लिया है, CaCl2 सॉल्यूशन यानी कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है। ब्यूरेट में हमने सोडियम एल्जिनेट लिया है, और ये सोडियम एल्जिनेट जो है वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, और ब्यूरेट में से हम उसको निकालेंगे कहाँ, यहाँ CaCl2 सॉल्यूशन के अंदर हम निकालेंगे। ठीक है, तो ब्यूरेट में से जैसे ही यहाँ पर नीचे ड्रॉप आएगी किसकी, सोडियम एल्जिनेट की, उस वक्त हम अपना ये जो सोमेटिक एम्ब्रियो है न्यूट्रिएंट मीडियम से लेकर स्पैचुला के थ्रू इसमें इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इंसर्ट कर देंगे इस ड्रॉप के अंदर, इस ड्रॉप के अंदर इंसर्ट कर देंगे और उसको डाल देंगे यहाँ। तो देखिए सोमेटिक एम्ब्रियो न्यूट्रिएंट मीडियम में भीगा हुआ है, और ये ड्रॉप यहाँ जा रही है सोडियम एल्जिनेट की कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे आगे चल के, कैल्शियम एल्जिनेट बन जाए। जब कैल्शियम एल्जिनेट बन जाएगा तो क्या होगा, सीड के चारों तरफ सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों तरफ एक कवरिंग बन जाएगी, और न्यूट्रिएंट मीडियम ऑलरेडी उसमें था। तो यही हम इसको समझा रहे हैं कि 2% सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्जिनेट इज फिल्ड इन अ ब्यूरेट, ब्यूरेट में फिल किया एंड अलाउड टू ड्रिप ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू CaCl2 सॉल्यूशन। यहां जो हमने आपको समझाया CaCl2 सॉल्यूशन में ब्यूरेट में भरा हुआ सोडियम एल्जिनेट जो कि लिक्विड है 2% है, यहां पर ये है 2% ओनली 2% सोडियम एल्जिनेट है, और हमने इसको लेकर ब्यूरेट में भरा है, ड्रॉप गिरा रहे हैं हम यहाँ पर, ये ड्रॉप आ गई इसकी सोडियम एल्जिनेट की, और इस ड्रॉप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएगी वो ड्रॉप ब्यूरेट के टिप पर, हम यहाँ पर सोमेटिक एम्ब्रियो को स्पैचुला की मदद से इसके अंदर प्रवेश करा दें। ठीक है, और ये ड्रॉप कहाँ गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएगी, यहाँ गिर जाएगी ड्रॉप, तो इससे मिलकर क्या बन जाएगा, कैल्शियम एल्जिनेट बन जाएगा। सोडियम एल्जिनेट से कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में गिरेगा तो कैल्शियम एल्जिनेट बनने के कारण ये कैसा हो जाएगा, सीड हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो सीड कोट जैसा हमें दिखाई देगा। अब हम इस सीड को हम रिमूव करें, वॉश करें, और इसको प्लांटिंग में हम यूज ले सकते। ठीक है, अब ये जो सीड्स हैं वो दो तरह के सीड बन सकते हैं, एक तो हम टाइप्स बता रहे हैं आपको, आर्टिफिशियल सीड है, आर्टिफिशियल सीड जो है वो कितने तरह के हो सकते हैं, एनकैप्सुलेटेड सीड है, तो एनकैप्सुलेटेड सीड देखिए इंडिविजुअल सीड को यदि सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट के अंदर इसको इंडिविजुअल सीड की मेम्ब्रेन
इंटरवेनस फ्लूइड को रखा जाए, यानी सोमेटिक एम्ब्रियो, हर सोमेटिक एम्ब्रियो के चारों तरफ क्या वो सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट हम एनकैप्सूल कर, तो ये हमारा कहलाएगा एनकैप्सुलेटेड सीरीज। सिंगल एम्ब्रियो भी, इसमें सिंगल सिंगल एम्ब्रियो जो है वो एनकैप्सुलेटेड होगी। दूसरा है सीड जेल सस्पेंशन। तो सीड जेल सस्पेंशन में देखिए, इसमें सेमी सॉलिड जेल लिया जाता है, ये है सेमी सॉलिड जेल, ये सेमी सॉलिड जेल लिया जाएगा और इसमें जेल के अंदर सस्पेंशन बना के इन एम्ब्रियोज को डाल दिया। तो क्या होगा कि हर सीड, बहुत सारे सीड एक ही जेल के अंदर, एक ही सस्पेंशन जेल में जो है कई सारे सीड्स होंगे और उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा किसके द्वारा, कैल्शियम एल्जिनेट के होल के द्वारा। तीसरा है सीड टेप्स। ये सीड टेप्स देखिए, यहाँ पर हम दो टेप लेते हैं, कौन से टेप लेते हैं, सेमी सॉलिड मीडियम से लोडेड टेप लेते हैं और जिनके अंदर सोडियम एल्जिनेट या जेल हो, टेप जिनके अंदर हमने जेल लगाया हुआ है, अंदर की तरफ जेल लगाया हुआ है और उनमें हम इन एम्ब्रियोज को बंद कर दें। तो क्या होगा, उस एम्ब्रियो हमने कहाँ से लिए हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम से उठाए हुए हैं, तो ऑलरेडी न्यूट्रिएंट मीडियम से कोटेड है, नरिशमेंट वहां से मिल जाएगा और बाहर की तरफ इसमें क्या हो जाएगा, जेल लग जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे ही क्या लग गया है, ये तो जेल हो गया, किसका टेप, ये टेप है, टेप की बाउंड्री है, ये जेल है और ये न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए, ये है सोमेटिक एम्ब्रियो, ये इसका है होल, किसका, ये है टेप और ये है न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। इस मीडियम के अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, जेल लगाया हुआ, तो ये हो गया जेल, यानी इस टेप के अंदर हमने जेल लगाया हुआ है, तो ये हो गया जेल। तो जो नॉर्मल टेप है, सेलो टेप होता है, उनके अंदर दो टेप लें और उनके अंदर हम जेल लगा लें, न्यूट्रिएंट मीडियम में डूबे हुए सोमेटिक एम्ब्रियो इन दो टेप के अंदर हम इसको रख दें, तो वो कैसे हो जाएंगे, कैप्सुलेट एनकैप्सुलेटेड हो जाएंगे, यानी कवर हो जाएंगे, लेकिन ये एक टेप के अंदर कई सारे सोमेटिक एम्ब्रियो को हम बंद कर सकते हैं और जब हमें इनको प्लांट करना हो तो हम उसका टेप निकालें, धीरे से जेल से ऑलरेडी वो एनकैप्सुलेटेड है, केवल कवर्ड है और ये इजीली जो है वो प्लांट किए जा सकते। अब इनके एडवांटेजेस क्या है, पहले मैं आपको एक और को बता दूं कि ये जो हमारा नेचुरल सीड है वो आप देखिए किस तरीके का है, नेचुरल सीड हमारा ये है, ये सीड कोट है जिसमें ये कॉटिलीडन्स हैं और ये एम्ब्रियो है, और आर्टिफिशियल सीड भी देखिए, आर्टिफिशियल सीड में ये क्या है, सीड कोट किसका बना हुआ है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल का या फिर किसका, कैल्शियम एल्जिनेट यानी हार्ड है। दूसरा इसके अंदर जो ये है, जो यहाँ कॉटिलीडन जो इसका काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये न्यूट्रिएंट मीडियम है, आर्टिफिशियल एंडोस्पर्म, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट मीडियम जो है वो एंडोस्पर्म का काम करेगा और एंडोस्पर्म क्या करता है, सोमेटिक एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, और ये क्या है, बीच में सोमेटिक एम्ब्रियो जो हमने कहाँ प्रोड्यूस किया है, लैब में प्रोड्यूस किया है, किसके द्वारा, एक पार्ट लिया है, टिश्यू का पार्ट लिया, टिश्यू लिया है, एक्सप्लांट लिया है, उसको हमने कैलस बनाया है, कैलस को फिर हमने एम्ब्रियो में डेवलप किया है एम्ब्रियोजेनेसिस के द्वारा या ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा। तो ये आर्टिफिशियल एम्ब्रियो है जिसे हम सोमेटिक एम्ब्रियो कह रहे हैं, सोमेटिक हाइब्रिड भी हो सकता है जो हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद बनाया है, और यहाँ हम सोमेटिक एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, यानी जो हमने कैलस से एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद या एम्ब्रियोजेनी के बाद बनाया है, उस सोमेटिक एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मीडियम से लिया है और उसके ऊपर हमने क्या लिया है, आर्टिफिशियल सीड कोट किसका है, सोडियम एल्जिनेट का या कैल्शियम एल्जिनेट। इनमें जो आर्टिफिशियल सीड का जो जर्मिनेशन है वो नेचुरल सीड के जर्मिनेशन की तरह ही होता है।
इनको हम प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं एडवांटेज पढ़ने से पहले मैं आपको इसको प्रोडक्शन भी बता दूं कि किस तरीके का होता है। आर्टिफिशियल सीड हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला तो इसका है डेसिकेटेड सिस्टम। डेसिकेटेड सिस्टम मतलब डेसिकेशन का मतलब होता है किसी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाव करना। तो हम प्रतिकूल परिस्थितियां डेसिकेशन का मतलब तो सोमेटिक एम्ब्रियोज आर फर्स्ट हार्डन। हार्डन मतलब उनको कठोर बनाया जाता है टू विदस्टैंड डेसिकेशन। मतलब जो आघात वाली परिस्थितियां हैं या शुष्क परिस्थितियां हैं उनसे बचाने के लिए इसको पहले हम हार्ड करते हैं, ठीक है। एंड देन आर एनकैप्सुलेटेड इन अ सूटेबल कोटिंग मटेरियल। फिर हम उसको सूटेबल कोटिंग मटेरियल में एनकैप्सुल करते हैं टू यील्ड डेसिकेटेड आर्टिफिशियल सीड, ठीक है। तो हमने उसको प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने के लिए पहले उसको हार्ड किया है और फिर उसके ऊपर सोडियम एल्जिनेट या कैल्शियम एल्जिनेट की कोटिंग। ये जो है हार्ड किए जाते हैं किससे, एक सूटेबल या तो पॉलीमर लिया जाता है, पॉलीमर उसके बाद पॉलीमर यूज किया जाता है जिससे वो हार्ड हो जाते हैं, उसके बाद उनको ड्राई किया जाता है, देन उनको एनकैप्सुलेट किया जाता है कैल्शियम एल्जिनेट। दूसरा सिस्टम इसको प्रोड्यूस करने का है हाइड्रेटेड सिस्टम। और हाइड्रेटेड सिस्टम में क्या है कि सोमेटिक एम्ब्रियोज को जेल्स में एनक्लोज किया जाता है जो हमेशा हाइड्रेटेड है। अब इनको हम हाइड्रेटेड कैसे करते हैं देखिए, इनके लिए हमारा हाइड्रेशन जो है इनको हम सबसे पहले जेल में हाइड्रेट करते हैं, जेल डालते हैं। ये हमारा सीड है आर्टिफिशियल सीड और जो आर्टिफिशियल सीड है उसको हम जेल में डालते हैं, हाइड्रेट करते हैं। इट मीन्स वो हाइड्रेट रहता है, यानी इसको हमने डेसिकेटिंग सिस्टम से बचाने के लिए या डेसिकेशन से बचाने के लिए हमने उसको पहले हार्ड नहीं किया, पॉलीमर के थ्रू हार्ड नहीं किया। तो डेसिकेशन में तो हम हार्ड करते हैं पहले, डेसिकेटिंग सिस्टम के अंदर पहले हार्ड करते हैं पॉलीमर के द्वारा और फिर हम उसे क्या करते हैं जेल से एनकैप्सुलेट करते हैं। लेकिन सिर्फ हाइड्रेटेड सिस्टम के अंदर हम डायरेक्ट सोमेटिक एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट मीडियम से लिया हुआ है उसे डायरेक्ट ही सोडियम एल्जिनेट के घोल में डालते हैं। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप बताया, कैल्शियम क्लोराइड के बीकर के अंदर सोडियम एल्जिनेट की ड्रॉप डालते हैं और उस ड्रॉप जैसे ही वो ड्रॉप ब्यूरेट पर आती है हम उस अपने सोमेटिक एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट मीडियम के साथ स्पैचुला की हेल्प से उसमें इंसर्ट करा देते हैं। तो वो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ये हाइड्रेटेड हो गया क्योंकि जेल कैसा है लिक्विड है, यानी सीड कोट जो बना है वो कैसा बना है लिक्विड है। तो ये थोड़े टाइम बाद ये क्या हो जाता है जब हम उसको बाहर रखते हैं या हम थोड़े क्योंकि कैल्शियम एल्जिनेट बन जाता है, सोडियम एल्जिनेट कैल्शियम क्लोराइड के उसमें जाता है तो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं उसके चारों तरफ कैल्शियम एल्जिनेट बना। तो कैल्शियम एल्जिनेट थोड़े टाइम बाद थोड़ा सा हार्ड हो जाता है लेकिन फिर भी स्टिकी होता है, स्टिकी होता है तो यानी वो हाइड्रेटेड रहता है। जेल अंदर कैसा रहेगा हाइड्रेटेड रहता है लेकिन बाहर से वो स्टिकी हो जाएगा। उसके बाद हम उसको ड्राई होने देते हैं क्योंकि उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम उसको यदि हम लार्ज स्केल पे देखें तो हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए हमें इससे पहले ड्राई करना पड़ता है। और ड्राई होने के बाद हम इजीली उसको प्लांट किया जाता, प्लांटिंग में उसको यूज में लिया जाता। देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस हम क्यों इसको यूज में लेते हैं, आर्टिफिशियल सीड को क्यों बनाते हैं, क्यों प्रोड्यूस करते हैं। जब नेचुरल सीड है तो हम आर्टिफिशियल सीड की क्या जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो बात है कि कई सारे सीड्स में डॉर्मेंसी पाई जाती है, डॉर्मेंसी पीरियड पाया जाता है, मतलब एक निश्चित टाइम होता है उस टाइम को खत्म करने के बाद ही वो सीड जर्मिनेट होता है। डॉर्मेंसी किस कारण हो सकती है, हार्ड सीड कोट के कारण हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हो सकती है, पानी की कमी के कारण हो सकती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। तो डॉर्मेंसी पीरियड को खत्म करने के लिए हम आर्टिफिशियल सीड्स को यूज करते हैं, मीन्स द आर्टिफिशियल सीड हैव नो डॉर्मेंसी पीरियड। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल सीड को हम लार्ज नंबर में बना सकते हैं कभी भी जब वो रिक्वायरमेंट जिसकी हो, ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो हम उसको आर्टिफिशियल सीड को कभी भी ज्यादा नंबर में भी बना सकते हैं।
वैसे हम देखते हैं कि जो नेचुरल प्लांट होते हैं उनमें किसी प्लांट में, एक प्लांट में, एक फ्लावर में 2 सीड हैं, 5 सीड हैं, 10 सीड हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो लेबोरेटरी में हम एक मतलब उस नंबर से ज्यादा भी बना सकते। तीसरा, इनका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा इजी है। चौथी बात ये कि वायबिलिटी जो है वो नेचुरल सीड के से भी ज्यादा है। नेचुरल सीड में क्या है, एक तो डॉर्मेंसी पीरियड हो सकता है, नेचुरल सीड डैमेज हो सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल सीड को यदि हमने एनकैप्सुलेट ठीक से किया हुआ है, यानी हम ठीक से आर्टिफिशियल सीड बना है, तो उसको उसकी वायबिलिटी सही होगी, क्योंकि हमने वही सोमेटिक एम्ब्रियो लिया है जो वायबल था। सीड में क्या है, एम्ब्रियो तो है, बाहर सीड कोट है, तो हमने क्योंकि वायबल सीड ही चूज किया है पहले एनकैप्सुलेट करने के लिए, इसलिए इसकी वायबिलिटी तो निश्चित है कि ये वायबिल ही होगा। और लास्ट में इसका जर्मिनेशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म होता है। जैसे हमने कई सारे सीड्स एक साथ लिए हैं, सोमेटिक एम्ब्रियो लिए हैं एनकैप्सुलेटेड, और उन सीड्स को यदि हम सो करते हैं तो वो सभी एक टाइम पे जर्मिनेट होंगे, ठीक है। और लास्ट में सभी क्लोन्स इसके आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि हमने एक ही पेरेंट प्लांट का कैलस लेकर उसी के टुकड़े करके और हमने सोमेटिक एम्ब्रियो डेवलप किए, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल सीड है, और आर्टिफिशियल सीड का एडवांटेज क्या हो गया, डॉर्मेंसी पीरियड नहीं होता है, जर्मिनेशन यूनिफॉर्म होता है, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है, लार्ज नंबर में हम इसको बना सकते हैं, और लास्ट की क्या है कि जर्मिनेशन जो है इसका यूनिफॉर्म होता है, वायबिलिटी जो मेन है, वायबिलिटी सबकी मतलब कंफर्म है कि वायबल ये सीड्स होंगी, क्योंकि हमने सोमेटिक एम्ब्रियो भी ऐसे लिए हैं जो वायबल। थैंक यू स्टूडेंट्स।